यार, ना करने अभी। लेकिन मुझे दिखाई दे अपनी शक्ल, कहाँ से दिखाई दे रही है? फिर मुझे ऑफ करनी पड़ेगी दोबारा से। अच्छा, इसका नीचे आ रहा है वैसे, और ये वो आ रही है पेन, क्या नजर आ रही है? हाँ, इसके नीचे उतर, ये ले दो पॉइंट, दिखाएं चल रहा है जैसे। हाँ ठीक है, पार्टिसिपेंट्स शुरू हो रहे हैं। ओनली वन, आई एम द पार्टिसिपेंट, हो गया स्टार्ट? यू हैव स्टार्टेड? यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। म्यूट ऑन है, म्यूट करूंगा तो क्रॉस लग जाएगा। कंफर्म ना? पीपी पूछते ना है शुरू की टाइम। व्हेन इज रिकॉर्डिंग बटन ऑन? पढ़ लो ना, तीनों कैल स्टॉप रिकॉर्डिंग पॉज रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इसका मतलब स्टॉप होती है। शो द पार्टिसिपेंट्स, टाइम होने पे 8:02। नो पार्टिसिपेंट, मैसेज करो। मैसेज कर दो पार्टिसिपेंट, आई एम द ओनली पार्टिसिपेंट। हां बस कर दो, तो कोई जवाब दे। मैसेज कर दो, तुम ही हेलो। निश्चित ऊपर विंडो की है, जैसे भी आए तो यहाँ पर आ जाए। अच्छा बेटा, मैं इसकी बुरी तरह से अच्छा बेटा।
सर्टिफिकेट क्या है कि इसका बस डेट है बस फैलते होते There should be some method to call students, to call them again. एक्चुअली काम नहीं किया आज पता नहीं आज क्लास भी अटेंड करनी है
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फातिमा, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी लेट। बेटा यू मस्ट बी ऑन। यस यस। जी बेटा फातिमा, आप आवाज सुन रहे हो मेरी? हाँ मिस, अब आ रही, पहले नहीं आ रही थी। ओके, और स्क्रीन आपको शेयर हो रही है जो मैं स्लाइड? यस मिस, हो रही है। जी मिस, मैं कह रही हूँ मैं हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, उस पे क्या लिखा होगा मतलब? हाँ मिस, चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज, बुक पेज नंबर 11, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक तो ये फातिमा बेटा कि आपको डेली कोई ना कोई असाइनमेंट, कोई ना कोई छोटा सा काम मिलेगा तो वो आपको करना होगा, उसके बगैर फिर देयर इज नो बेनिफिट ऑफ गेटिंग ऑल दीज ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप बस डेली होगे और रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपको ये बड़ा हेक्टिक लगेगा, तो आपको होमवर्क भी करना होगा। नहीं, मैंने काम वो ना एक्चुअली वाईफाई का इशू था, मैंने काम किया हुआ, मैं अभी सेंड कर देती हूं क्लास लेने के फौरन बाद। अगर आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छा। चलें जी स्टार्ट किया हुआ, मैं कर देती हूं। ओके ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमने कल स्टार्ट किया था, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जो पहले वाला डिसऑर्डर है वो हम कर चुके हैं, ब्रोंकाइटिस। अच्छा जी, ब्रोंकाइटिस के बाद जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो कि हमारे सांस लेने में जो हमें प्रॉब्लम्स होते हैं उसका जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है, उस डिजीज का नाम है एम्फिसीमा। क्या नाम है इसका? एम्फिसीमा। एम्फिसीमा। अब एम्फिसीमा कैसा डिसऑर्डर है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगी पेशेंट को, कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कफिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा खांसी की वजह से बॉडी के अंदर जो एल्वियोलाइज हैं उनकी वॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाइ, इनकी जब हम बार बार खांसते हैं ना तो हमारी ये जो लंग्स के अंदर की वॉल्स हैं एल्वियोलाइ की, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक नॉर्मल एल्वियोलाइ शो हो रहा है, आपकी बुक में भी ये पिक्चर है, दिस पिक्चर इज ऑन योर बुक एज वेल। दिस इज अ नॉर्मल एल्वियोलाई, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल एल्वियोलाई। इसमें आप देखो कितनी वॉल्स, जैसे इसका एक्चुअली ऊपर से सेक्शन कट किया हुआ है ना, एल्वियोलाई को ऊपर से काट के दिखाया हुआ है, तो इस तरह की नॉर्मल एल्वियोलाई की। और इसके अंदर ये जो रेड कलर की लाइंस हैं, दीज आर द कैपिलरीज। लेकिन एल्वियोलाई की वॉल्स टूट जाएं, डिस्ट्रक्ट हो जाएं, डिस्ट्रक्शन मीन्स ब्रेकअप हो जाना, टूट जाना, तो फिर वो उनका स्ट्रक्चर ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मिस। जी क्या बताया मैंने आपको एल्वियोलाई की वॉल्स? हाँ मिस, आपने बताया कि हेलो। जी जी बताइए मिस, आपने हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आई एम लिसनिंग। बोले फातिमा, आपको आवाज आ रही है फातिमा? देखिए पार्टिसिपेंट है या नहीं, चली गई है, नेट प्रॉब्लम है तो। हमारा नेट तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा, नहीं हमको नजर आ रहे हैं ना, हम नजर आ रहे हैं ना कि वो है, वो हम तो फिर हम कैसे नजर आए? There is some issue, network issue. जी यस फातिमा, आर यू देयर? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ मिस, सब आई थी, पहले बहुत कट कट के ना और बहुत कम आ रही थी।
अच्छा, अब क्लियर आ रही है आवाज? हाँ मीस भी सब क्लियर आ रही है, पहले बहुत ज्यादा कट रही थी। अच्छा, आपके आई थिंक कोई आज नेटवर्क इश्यू चल रहा है, मुझे लग रहा है आपका नेट स्लो है। हाँ मीस मीस रात से चल रहा है। मीस मीस रात से चल रहा है। ओके ओके, अच्छा बताइए एम्फिसीमा आपको मतलब क्या मेजर कॉज है, इसमें क्या होता है वॉल्स को एल्वियोलाई की? इसमें बोला ना खांसने की वजह से ना इसकी वॉइस जो होती है ना वो लाइक की मिस वो डिस्ट्रॉय हो जाती है सारी जी। और इसकी वजह से जब वॉल्स ब्रेक हो जाएंगी तो फिर ऑक्सीजन की जो एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि एल्वियोलाई की स्टेज पे हो रही होती है ना एब्जॉर्प्शन, तो वो बहुत स्लो हो जाती है और बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। ठीक है, लेस सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज। वॉल्स टूट जाएंगी तो गैशियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है वो बहुत थोड़ा रह जाएगा। अच्छा जी, इसके सिम्टम्स क्या हैं इसकी, अगर ये बीमारी हो जाए इफ दिस डिजीज हैपन टू द लंग्स तो इस किस तरीके से जाहिर होंगे, उसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स मीन्स क्या क्या इसमें नजर आना शुरू हो जाती है अलामत जी, असरात क्या? शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, सांस छोटा छोटा आता है, कंप्लीट फुल खुल के सांस नहीं बन जो पेशेंट है वो ले पाता, फैटीग है, थकावट बहुत महसूस होती है। थकावट इसलिए होती है ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं जा रही ना, ऑक्सीजन आपको पता है एनर्जी हमारी बॉडी में दे रही होती है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। ऑक्सीजन कम होगी तो एनर्जी कम होगी जिससे थकावट महसूस होगी बहुत ज्यादा। वेट जी, वेट लॉस, बॉडी का वेट कम होना शुरू हो जाएगा। रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा क्योंकि हमारी लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके होंगे ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स। तो जरा सा भी अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया, तो वो फौरन से इफेक्ट करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक हो गया? ओके मिस। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर। The next one is pneumonia. जी, ये एक और डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है निमोनिया। आपने इसका नाम कॉमनली सुना भी होगा, मोस्टली ये छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है डिजीज सर्दियों में, सर्दी जिसे कहते हैं, सर्दी लग गई बच्चों को तो उसमें निमोनिया है। और समटाइम्स निमोनिया अगर ज्यादा एनहांस हो जाए, बढ़ जाए, तो वो डबल निमोनिया भी हो जाता है। डबल निमोनिया मीन्स अगर दोनों लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, दोनों लंग्स पे अगर इफेक्ट हो जाए तो फिर वो डबल निमोनिया कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी कॉज क्या है? वायरल और फंगल इन्फेक्शन। अब आपको कल भी ये डिस्कस हुआ था, देयर इज टू मच पोल्यूशन, स्पेशली पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वायरस बहुत ज्यादा है, इसी तरह से फंगल इन्फेक्शन का रेट बहुत ज्यादा है। और बैक्टेरियम एक स्पेशल बैक्टेरियम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाए। इसको जरा नाम लीजिए प्लीज, रिपीट करें इसके नाम को। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाए। यस, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाए। इस ये जो बैक्टीरिया है ये स्पेशल है जो कि ये नमोनिया कॉज करेगा। ठीक हो गया? ओके जी। अच्छा जी, अब इसके जो सिम्पटम्स हैं, असरात हैं, किस तरह से पता चलता है कि नमोनिया हो गया? इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है, बुखार बहुत तेज हो जाएगा, हाई फीवर, शिवरिंग और कपकपी सी हो जाती है, मतलब ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, और कफ विद सिम्पटम, खांसी आएगी और उसके साथ साथ रेशा, वो नहीं जैसे पस होती, वो भी होगा क्योंकि नमोनिया की वजह से ऑब्वियसली जब वायरस बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं ना तो हमारे जो ब्लड है उसके अंदर एक स्पेशल सिस्टम है ना, इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो इम्यूनिटी के जो सेल्स, इन इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं जब वो फाइट करते हैं ना इस डिजीज के अगेंस्ट, तो जितने सेल्स डेड हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं पस में। तो निमोनिया के केस में जो लंग्स हैं, लंग्स की जो देखें ट्यूब्स हैं एल्वियोलाई की, आप ये देख सकते हो, ये ऊपर कंप्लीट एल्वियोलाई दिखाया हुआ है और नीचे आप देखो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं ना वो डैमेज हो गए हैं ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, और डैमेज होने से ये येलो कलर की पस इसमें आ गई है। तो जब भी कफिंग होगी, खांसी आएगी, तो साथ रेशा या बलगम भी
इतना ज्यादा मतलब कफ वो रेशा होता है कि बलगम कफ के थ्रू बाहर भी आ रहा होता है. ठीक हो गया. तो ये निमोनिया जो है इट्स वेरी सीवियर. पहले जब इसकी मेडिकेशन अभी डिस्कवर नहीं हुई थी बहुत साल पहले, तो उस वक्त तो ये काफी ज्यादा हॉरिबल डिजीज समझी जाती थी. इट लीड्स टू डेथ इवन, मतलब इससे पेशेंट की डेथ भी हो जाती थी. बट अब ऐसा है कि बाय द टाइम मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने से इसकी जो मेडिसिन हैं वो आ चुकी हैं, और एंटीबायोटिक्स के थ्रू, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है. ठीक है. ओके. मैंने एक्चुअली कोशिश ये की होती है कि जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं ना, या जिनके मीनिंग्स बच्चों को टफ लगे, मैंने वो यहाँ हाईलाइट किए होते हैं. व्हेन यू रीड द पैसेज तो आपको आई थिंक इसमें सारी जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक हो गया. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड है एस्मा. नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज एस्मा. इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप? एस्मा. टीएच को ना साइलेंट. हाँ जी, एस्मा. इसको टीएच को आप साइलेंट मोड में रखोगे. जी, एस्मा भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में. बहुत से लोगों को एस्मेटिक डिजीज है, रेस्पिरेटरी, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है. और इसकी कॉज जो बेसिक कॉज है दैट इज एलर्जेंस. एलर्जेंस मीन्स वो सारे सब्सटेंसेस जो कि एलर्जी कॉज करते हैं. बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, मतलब जरा सी डस्ट आ जाए तो उनका सांस लेने में प्रॉब्लम होगा. कहीं पे स्मोक है, धुआं है बहुत ज्यादा, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होगा. परफ्यूम्स इवन उनको जो है वो एलर्जी कर जाती हैं. और जब वेदर चेंज होता है, जैसे सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी का जब वेदर आता है, तो पोलन ग्रेन्स, ये प्लांट्स फ्लावर्स के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स. जी हेलो फातिमा. हेलो, आ रही आवाज. ओके, पोलन ग्रेन्स के बारे में कुछ बताएंगे? व्हाट आर पोलन्स? ये फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं. दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर. ठीक है. तो पोलन्स, ग्रेन्स, परफ्यूम्स, स्मोक, डस्ट, दीज आर द डिफरेंट एलर्जेंस. और जो एस्मा के पेशेंट्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत वीक होता है. जरा से एलर्जेंस अगर वो सांस में चले जाए, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाए, तो फ्लावर स्मेल की बात कर रही हूं. जी मैं भी आपकी से फ्लावर की स्मेल की बात, आपकी से फ्लावर की स्मेल की बात कर रही हूं जो सांस से अंदर चला जाए. हाँ जी, आपको पता है ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है ना सीजन वाइज पोलन ग्रेन्स फ्लावर्स की, तो ये पोलन ग्रेन्स इतने लाइट वेट होते हैं कि ये हवा में भी सस्पेंडेड होते हैं. मतलब हवा जब तेज चलती है ना, तो फ्लावर्स में से टूट टूट के ना ये हवा में भी सस्पेंड हुए होते हैं. तो ये पोलन ग्रेन्स जी आप, और आपको पता है पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स जो है वो एक फ्लावर से फ्लाई करके उड़ के दूसरे फ्लावर्स तक भी जा रहे होते हैं ना, तो इसी वजह से हाँ, तो ये कुछ तो बड़े साइज के होते हैं, कुछ बहुत ही स्मॉलर साइज के होते हैं, और ये हवा में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं. व्हेन यू ब्रेथ, जब आप सांस लेते हो, तो ये पोलन ग्रेन्स उन लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. नॉर्मली तो बहुत से लोगों को इनका महसूस ही नहीं होता ना, पता ही नहीं चलता, लेकिन जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग हैं उनको पोलन ग्रेन्स भी डिस्टर्ब करते हैं, और इस वजह से उनको सांस लेने में डिफिकल्टी होना शुरू हो जाती है. ठीक है. इसके सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही निमोनिया वाले सिम्टम है कि इसमें भी सांस जो है वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा छोटा आता है, फुल खींच के कंप्लीट सांस नहीं ले सकता पेशेंट. बीजिंग होती है, सांस लें तो आवाज आती है सीने से, ठीक है, चेस्ट कैविटी से साउंड प्रोड्यूस होती है विसल की तरह, जैसे सीटी सी नहीं बज रही वैसी आवाज. कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, खांसी आएगी और चेस्ट जो है वो ऐसे लगेगा जैसे सीना जो है वो ऐसे जकड़ा हुआ है, ठीक है, टाइट हुआ हुआ है. अच्छा जी, इसके लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मोस्टली केमिकल्स होते हैं. ऐसे केमिकल्स हैं जिनको अगर आप सांस के थ्रू लेकर जाएं अंदर, तो वो इनहेल करेंगे. इनहेल जब आप करेंगे उन केमिकल्स को, तो वो ये जो ट्यूब्स है ना,
आप देख सकते हो पिक्चर में ये एक नॉर्मल ब्रोंकस दिखाया गया है, नॉर्मल ब्रोंकस जो कि देखिए कितना खुला हुआ है पाइप इसका, यू कैन सी। यस मिस। लेकिन अगर एलर्जन इस पे अटैक कर जाए, इस पर अगर एलर्जेंस, ये छोटे छोटे जो व्हाइट कलर के डॉट्स हैं, दीज आर द एलर्जेंस जो कि चले गए हैं सांस लेने के दौरान, दीज आर द एलर्जेंस। तो एलर्जेंस के अटैक के बाद आप देखो, यू कैन सी ब्रोंकस जो है उसकी वॉल कंस्ट्रिक्ट हो गई है। कंस्ट्रिक्टेड मीन्स ऐसे चिपक गई है आपस में ना, तंग हो गई है उसकी वॉल। हाँ, चिपक गई है आपस में और इसकी वॉल बहुत ही तंग हो गई है। अब कितना कम यहाँ पर रास्ता है एयर के पास ऑन होने का। तो जब रास्ता कम हो जाएगा, हाँ रास्ता जब कम हो जाएगा तो सांस लेने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम महसूस होगी पेशेंट को। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट केमिकल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनको एज ए इनहेलर सांस के थ्रू अंदर लेके जाया जाता है और इनहेल करने से ये जो ट्यूब्स हैं दोबारा से डायलेट हो जाती हैं। डायलेट मींस दोबारा से खुल जाती हैं, साइज में बड़ी हो जाती है। ठीक है, एंड इट इज वेरी कॉमन। ये डिजीज नॉर्मली लोगों को अगर हो एस्मा, ऐसा नहीं होता कि वो बीमार हो गए हैं या वो बेड पे पड़े हुए हैं, वो नॉर्मली अपने रूटीन वर्क करते हैं, लेकिन सांस लेने में उन्हें जरा प्रॉब्लम हो रहा होता है। ओके जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लंग कैंसर। लंग कैंसर जी, अब लंग कैंसर की पिक्चर आप देखिए। See the picture of lung cancer. This is a normal lung. चले यहाँ से, हाँ जहाँ से थोड़ा सा आपका मैं थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेती हूँ। ये जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, what is the name of this tube? इसको क्या यहाँ बोलेंगे? Miss, bronchi? No, no, बेटा bronchi तो अभी आगे आएगा। This is trachea. और इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये विंड पाइप है हमारा, सांस की नाली है बेसिकली। ठीक है, दिस इज विंड पाइप और ट्रेकिया। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। हाँ जी, यहाँ से शुरू हो जाएगा ये। जब टू ब्रांचेस में डिवाइड होगा तो आप इसको क्या बोलोगे? ब्रोंकिया। जी जी जी, ब्रोंकाई, सही कह रहे हो आप। ब्रोंकाई फर्दर, देखिए ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो रहा है आगे और ब्रांचेस में, तो इनको आप बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, दो तीन पार्ट्स हैं, ज्यादा नहीं है। ट्रेकिया है फर्स्ट, देन ब्रोंकिया, देन ब्रोंकियोल्स आगे फर्दर, और ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड इंटू आगे वो बंच लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाया हुआ, मतलब जो ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एल्व्यूलाई। ठीक है, टोटल चार नेम है इसके, फोर नेम्स हैं। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि मेजर ऑर्गन्स के नाम, मेजर मतलब जो इनके पार्ट्स उसके नाम आपको रिपीट हो जाए। अब ये तो एक नॉर्मल लंग नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना, बड़ा प्यारा सा नजर आ रहा है। बट ये जो दूसरे वाला लंग है इसको आप देखें, एक तो इसका कलर भी डार्क हो गया हुआ है, सेकेंडली आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें कैसे। yes, देखिए ऐसे लग रहा है कोई भी चीज क्लियर नहीं है, ऐसे एक्स्ट्रा जैसे ऊपर ना टिश्यूज मिक्स हुए हैं सारे, ऐसे फील हो रहा है। यस मिस। हाँ, तो अब दिस इज अ लंग व्हिच इज अफेक्टेड बाय द डिजीज ऑफ कैंसर। अब ये हुआ हुआ क्या है बेसिकली, यहाँ पर डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स, यहाँ पर सेल की डिवीजन हुई है अनकंट्रोल्ड फॉर्म में, यानी कि होती चली जा रही है, मुसलसल सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं और इतने ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं कि उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं रही। ठीक है, कैंसर में होता यही है, कैंसर में बेसिकली होता ये है कि जो शेप होती है ना बॉडी की वो सारी डैमेज हो जाती है और सेल्स की डिवीजन बहुत ज्यादा, बार बार सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, एक सिस्टम होता है ना हर चीज का, तो एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, लेकिन अगर ये सिस्टम प्रॉपर फॉलो ना हो और सेल बार बार डिवाइड होगा तो उसकी कोई शेप नहीं रहेगी ना, एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है यहाँ पे सेल्स की, तो इसकी वजह से लंग कैंसर हो जाएगा। और अगर इस तरह से कोई चीज समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा सेल कहाँ पर मौजूद है और सेल के ऊपर सेल अटैच हुआ हुआ है,
तो ना ब्रोंकाई अपना काम करेंगे, ना ब्रोंकियोल्स अपना काम करेंगे प्रॉपर, इवन जो एंड पे एल्वियोलाइज हैं वो भी अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी, और इसकी वजह से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसकी कॉजेस क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये बेटा आपको शो करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बताया गया है। और ये लंग कैंसर, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, ये कैंसर जो है वो किसी भी ऑर्गन का हो, बेशक लंग का हो या किडनीज का हो या स्टमक का हो, किसी भी अगर ऑर्गन का होगा तो ये कैंसर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है, फैलता है। तो ये पहले तो इस साइड पे हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते हुए इसके जर्म्स इधर भी आ जाएंगे और वो पूरा जो हाँ पूरा ऑर्गन जो है वो जी बिल्कुल। अच्छा जी, इसकी कॉजेज में देखिए आप, कॉजेज इसके हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस अब क्या होते हैं? दोज केमिकल्स विच कॉज कैंसर, ऐसे केमिकल्स जिनके इस्तेमाल करने से कैंसर हो जाए। अब वो केमिकल्स कौन से होते हैं? मोस्टली स्मोकिंग, स्मोकिंग जो लोग करते हैं जी, स्मोकिंग जो लोग करते हैं, सिगरेट्स के अंदर 50 कार्सिनोजेंस होते हैं, 50। अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो अपने अंदर कैंसर के सेल्स को, कैंसर कॉज करने वाले केमिकल्स को लेके जा रहे होते हैं, इनहेल करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हाँ ऑब्वियसली जब वो कैंसर के केमिकल्स बॉडी में बार बार जाएंगे तो वो बॉडी में कैंसर ही कॉज करेंगे। दूसरा इसका कॉज क्या है? सेकेंड इसका कॉज है आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि कुछ लोग ट्रीटमेंट्स जब करवाते हैं, समटाइम्स एक्सरे हो रहा है उनका, समटाइम्स अल्ट्रासाउंड हो रहा है उनका बॉडी का, तो उनकी बॉडी में रेडिएशंस जा रही होती हैं। ठीक है, कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ है कोई ऐसा किसी पेशेंट को आपने देखा हो जिसका अल्ट्रासाउंड हो रहा है या एक्सरे हो रहा है, कभी एक्सपीरियंस हुआ है आपको बेटा? देखा था काफी पहले, काफी टाइम पहले। तो होता क्या उसमें, मतलब एक लाइट सी डालते हैं ना बॉडी के ऊपर, तेज सी लाइट होती है अल्ट्रावायलेट। हाँ जी, तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सरेज हैं वो तेज हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। तो हाई एनर्जी वेव्स जो है वो अगर बॉडी के अंदर जाएं तो समटाइम्स वो हमारी बॉडी की आयोनाइजेशन, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट आयंस हैं उनको डिस्टर्ब कर देती है, उससे भी कैंसर कॉज होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए यही रिकमेंड किया जाता है कि एक्स्ट्रा बार बार एक्सरेज नहीं करवाने चाहिए बॉडी के, या अल्ट्रासाउंड बार बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनकी जी इनकी इनकी कुछ रेज होती हैं, श्वाएं होती हैं इन मशीन्स की, जो कि बॉडी के आयंस को डिस्टर्ब करती हैं और दे कॉज, दे कैन कॉज कैंसर। ठीक है, और एक थर्ड इसकी कॉज आ गई वायरल इन्फेक्शन। कोई भी वायरस, अगर ऐसा स्फीयर वायरस है, बहुत से टाइप्स हैं वायरसेस की, तो कोई स्फीयर वायरस अगर अटैक कर जाए, और वायरस के अटैक करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होने की रीजन क्या है कि वी डू नॉट टेक प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट, और हम साफ सुथरी हवा में सांस ना लें, अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को पोल्यूटेड रखें या हम अपनी डाइट को ठीक ना रखें तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जिससे जो वायरस है वो अटैक करेगा और उससे बीमारी कॉज होगी। ठीक हो गया, इसीलिए आजकल भी जो कोरोना का केस चल रहा है उसमें यही रिकमेंड किया जाता है कि आप बहुत अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स खाएं, हेल्दी फूड लें, बाहर की गंदी चीजें मत लें, ताकि वायरस का अटैक कम से कम, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर वायरस के अटैक को डील करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। अच्छा जी, कैंसर के सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है कि ये कैसे पेशेंट को फील होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये तो मोस्टली हर डिजीज में आपको नजर आया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सेकेंडली कफिंग विद ब्लड, जी कफिंग विद ब्लड, जब खांसी आती है तो खून भी आना शुरू हो जाता है साथ, क्योंकि इसलिए आना शुरू हो जाता है साथ, इसलिए कि आप देखो ना बॉडी के ये जो लंग है इसके सारे टिश्यूज ही डैमेज हो रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है और टिश्यूज जो है इसमें मिक्स हो रहे हैं, तो जब खांसी आती है तो हमारे लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और ये टिश्यूज ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है। और वेट लॉस इसका एक और जो है कॉज, सिम्टम क्या है कि वेट लॉस, बॉडी का जो वजन है वो तेजी से डाउन होना शुरू हो जाता है। रिकवर हो जाते हैं?
हाँ जी, अगर स्टार्टिंग स्टेज हो तो बिल्कुल रिकवर हो जाता है, अगर स्टार्ट में ही पता चल जाए, डायग्नोज हो जाए अगर स्टार्टिंग स्टेज पे, तो ये रिकवरेबल है. अब तो आपको पता है कैंसर का इलाज है. हाँ जी, लेकिन अगर इसकी बिल्कुल बिल्कुल अगर इसकी ये स्टेजेस जो है वो मतलब दोनों तरफ से ये भर चुका है इन्फेक्शन से, कैंसर हो गया दोनों लंग्स को, तो फिर ये रिकवर नहीं होता. फिर उसके लिए काफी लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है और इट लीड्स टू डेथ. लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं कि ट्रांसप्लांट करवाए जाते हैं मतलब, लेकिन ये वो बहुत ही रिस्की होता है, बहुत कम पेशेंट्स के चांसेस होते हैं कि वो बचते हैं. तो अल्लाह माफ करे, कैंसर का अगर स्टार्ट में पता चल जाए तो बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि रिकवर भी कर जाते हैं. अब तो कैंसर जो है वो एक क्यूरेबल डिजीज है. अच्छा जी, अब इसकी टोटल कितनी डिजीजेस हमने पढ़ी हैं, इसको जरा रिपीट कर लेते हैं. टोटल हमने जो डिजीजेस, हाँ जी, फाइव पढ़ी हैं. फर्स्ट थी ब्रोंकाइटिस, सेकंड वन थी एम्फिसीमा, थर्ड थी नमोनिया जी, फोर्थ एस्मा, एंड द लास्ट वन इज लंग कैंसर. अच्छा, इसका अब ऐसा है कि ये सारा ही लर्निंग से रिलेटेड है और इसमें समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे होते हैं. आज मैं आपको एक असाइनमेंट भी व्हाट्सएप जी, हाँ जी, लॉन्ग में भी समटाइम्स नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें से मैंने वैसे जो असाइनमेंट बनाई है ना उसमें आप चेक कर लीजिएगा. असाइनमेंट में मैंने वही क्वेश्चंस मोस्टली ऐड किए हैं जो कि अपडेट पेपर्स में आए हुए हैं. तो आज मैं असाइनमेंट व्हाट्सएप कर दूंगी आपको, व्हाट्सएप कर दूंगी, तो वो असाइनमेंट जो है ना वो आप पेन डाउन कर लीजिएगा. वो जो पिछला बोर्ड का पेपर था 9th क्लास का, उसमें चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन आया हुआ था लॉन्ग. हाँ, इस दफा उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए तो मैं आपसे क्लास में भी एक दो दफा डिस्कशन हुई, तो मैंने आपसे कहा था ना इतना ज्यादा सिलेक्टिव होके नहीं पढ़ना चाहिए. देखिए, उन्होंने आउट ऑफ स्कीम क्वेश्चन दिया हुआ था, बिल्कुल आउट ऑफ स्कीम एक क्वेश्चन दिया था, मैं चैप्टर 5 से दिया था. हाँ, तो इसका मतलब यही है कि हमें ऐसे नहीं करना. अब ये देखिए, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये तो नॉर्मल मतलब अगर आपको समझ आ गई है तो आप कम से कम इतना उसको रखें कि वो आप अदा ना करें, अगर कभी करना पड़ जाए अटेम्प्ट तो आप उसको कुछ ना कुछ लिख सकें. हाँ बिल्कुल. अब देखें, जिन बच्चों ने सिलेक्टिव किया होगा, उन चैप्टर्स को छोड़ा होगा, उन्हें भी बहुत टफ लगा होगा. दे हैव नो चॉइस उनको फिर. हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. अगर आप कर सकते हैं तो मतलब एक चैप्टर को बिल्कुल ऐसे नहीं देखना चाहिए कि इसके लॉन्ग बिल्कुल ही छोड़ दें. कोई जो इजी वाले क्वेश्चंस है उनको गो थ्रू जरूर करना चाहिए. जी, अब ये बिल्कुल आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. आज का लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग था इसलिए कि वीकेंड आ रहा है, तो मैंने कहा चलें. अच्छा जी, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग आपको पता है नॉर्मली हर कोई स्मोकिंग करने से मना करता है कि स्मोकिंग जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है. इसके अंदर टोटल 4000 केमिकल्स होते हैं एक स्मोक, ये जो सिगरेट है, और 50 इसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं. अब कार्सिनोजेंस वो केमिकल्स होंगे जो कि कैंसर कॉज करेंगे, पहले भी ये वर्ड आया ऊपर, ठीक है. तो कैंसर कॉज, हाँ देखिए, अब ऐसे केमिकल्स जिन जो कैंसर कॉज करते हैं, अगर जो एक स्मोकर है वो डेली बेसिस पे स्मोकिंग कर रहा है तो वो कितना ज्यादा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इवन जो स्मोकिंग नहीं करते लोग, लेकिन अगर साथ बैठे हुए हैं और उनको भी सांस लेने में वो स्मोक उन्हें भी आ रहा है, तो ये कार्सिनोजेंस उनको भी इफेक्ट करते हैं. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. जो साथ बैठे हुए लोग हैं, बेशक वो स्मोक नहीं कर रहे, लेकिन उनको भी इसका इफेक्ट हो रहा है. यस, सॉरी, ओके, भी समझ आ गई. जी 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 जी. अच्छा जी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं. सबसे पहला कि स्मोकिंग करने वाले को लंग कैंसर का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. ओके मिस. और ये लंग कैंसर बढ़ते बढ़ते किडनी तक भी पहुंच जाता है. ओरल कैविटी मींस माउथ का भी कैंसर हो जाता है इन लोगों को. लैरिंक्स बोलते हैं वॉइस बॉक्स को. लैरिंक्स वॉइस बॉक्स होता है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, हमारी आवाज बाहर आ रही है गले से. इसका कैंसर भी हो जाता है. ब्रेस्ट का कैंसर, ठीक है, छाती का कैंसर, ब्लैडर हमारा यूरिन जहाँ पे इकट्ठा हो रहा होता है, वो बैग जहाँ यूरिन कलेक्ट होता है, और पेंक्रियास लिवर के साथ होता है, एक ग्लैंड है बड़ा. तो ये सारे देखिए कितने ज्यादा बॉडी के पार्ट्स हैं जिनमें कैंसर. ओवरऑल सारे कर लिए कवर. हाँ जी, सारे बॉडी
जी बताया गया है कि किसी को ये वाला हो जाएगा, किसी को ये हो सकता है, डिफरेंट मतलब केसेस है ना। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग है उसका एक और बैड इफेक्ट क्या है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा जो ब्लड का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, और स्मोकिंग करते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है इसके धुएं से, जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिस्टर्ब करेगी। और इसके अलावा ब्लड के अंदर एक सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को बढ़ाएंगे, प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ा देंगे ये ब्लड के अंदर, और ब्लड बिकम विस्कस, विस्कस मीन्स गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जो ब्लड है ना आपका खून वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और अगर ब्लड विस्कस हो जाए, गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो फ्लो करने में प्रॉब्लम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कॉज होता है और इट विल लीड्स टू द हार्ट अटैक। ठीक है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हमारी आर्टरीज जो है वो तंग हो जाती हैं, ब्लड फ्लो करने में प्रॉब्लम होगा और हार्ट अटैक कॉज करेगा, यानी कि जो स्मोकिंग है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज करती है। ठीक है। रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक की बीमारी का चांस बहुत ज्यादा होगा। और लास्ट इसका इफेक्ट है वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके आप देखो टीथ जो है वो बहुत ही गंदे से येलो कलर के नजर आ रहे होते हैं, उस पर कलर आ जाता है येलोश जी, और उनके टीथ कमजोर भी बहुत हो जाते हैं, तेजी से टूट जाते हैं। ठीक हो गया जी, दिस इज टूडेज टॉपिक, आज थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। अब मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड कर दूं जी, असाइनमेंट भेजूंगी बेटा, वो आपने जरूर करनी है, इसी से पता चलेगा मुझे कि आप साथ साथ आज की जो असाइनमेंट होगी बेटा उसको भी कीजिएगा, वीकेंड है तो आप उसको देख लीजिएगा। आई थिंक टाइम इज ओवर, ये असाइनमेंट आप देख लो फातिमा, दिस इज द असाइनमेंट, आप इसको देख लो। ठीक है, ये आज आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके मिस, आप चलें। ठीक है बेटा जी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें, लॉन्ग नहीं मैंने दिया, रिटर्न है ना एक्चुअली मुझे था, ये आप राइट कर लो अगर। Okay. और ये कुछ फिगर्स की प्रैक्टिस है, कुछ तो आपने पहले ड्रॉ कर ली होंगी, अगर कर ली है तो इट्स ओके, आप मुझे बस व्हाट्सएप कर दीजिए। 10.1 एंड 10.3। ठीक है। ऑन मंडे आई विल आस्क सम क्वेश्चन, मैं आपसे थोड़ा सा सुन भी लूंगी इसी तरह, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना। ओके मिस, इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सुनूंगी। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।